उच्च पद प्रभार वरिष्ठता सूची के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। यह जानकारी नहीं देने पर शिक्षक स्वयं होंगे उत्तरदायी, उन्हें नहीं मिल पाएगा उच्च पद का प्रभार। देखते हैं क्या है आगे। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। उपयुक्त संदर्भित पत्र में लेख है कि संचालनालय के पत्र क्रमांक द्वारा दिनांक 30/5/2024 द्वारा उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधान अध्यापक की दिनांक 1/4/2024 को जारी वरिष्ठता सूची में कतिपय विसंगतियां संचालनालय के समक्ष आई हैं। युक्त सूची के परीक्षण के लिए संलग्न सूची अनुसार लोक सेवकों के निम्नलिखित अभिलिखित आदेशों की प्रति चाही गई है, जिसके परिपालन में संलग्न सूची अनुसार आपसे निम्नलिखित आदेश दस्तावेज दिनांक 13/6/2024 को प्रातः 11 बजे तक कार्यालय की स्थापना कक्ष 3 में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक के आदेश की प्रति, प्रधान अध्यापक के पद पर पदोन्नति की स्थिति में पदोन्नति आदेश की प्रति, अंतर संभागीय स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण आदेश की प्रति। उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक के आदेश दस्तावेजों की प्रति प्रभारी लिपिक श्री अखिलेश रजक सहायक ग्रेड 3 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं का होगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण समय सीमा का ध्यान दें। तो यह सूची दी गई है, इन शिक्षकों को अपनी जानकारी उपलब्ध करानी है। आज ही जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर यह शिक्षक स्वयं उत्तरदायी होंगे अगर इन्हें उच्च पद का प्रभार नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।